Coming to question number 4, observe the following pattern and find the missing digits. Question में बोला गया है कि इसमें कुछ pattern follow हो रहा है जो आपको observe करना है और उसी के according जो missing values है आपको उसको fill करना है. ये हमारा क्वेश्चन है. जैसे इन्होंने बोला है 11 का स्क्वायर होता है 121. तो आप यहाँ पे पैटर्न समझ रहे हैं, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है. देन सेकंड है 101 का स्क्वायर 10201, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक जीरो लगा है और राइट हैंड साइड में भी एक जीरो लगा है. देन 1001, तो यहाँ पे देखिए 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 जीरोस लगे और राइट हैंड साइड में भी 2 जीरोस लगे. देखिए यहाँ पे एक जीरो लगा है तो यहाँ पे भी एक जीरो और यहाँ पे भी एक जीरो, मतलब कि यहाँ एक जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक जीरो है, राइट हैंड साइड में भी एक जीरो है. यहाँ टू जीरोस हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी टू जीरोस हैं और राइट हैंड साइड में भी टू जीरोस हैं. ऐसे ही हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 4. तो यहाँ पे हम कितने जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4. और इसके राइट हैंड साइड में भी हमको कितने जीरोस लगाने हैं, 4. 1 2 3 4. देन हमारा नेक्स्ट क्या है, 1 के साथ कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6. तो हम 1 के साथ कितने जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6. देन 2, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 जीरोस हैं और 2 के राइट हैंड साइड में भी. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 1.